मलेच्छन का मर्दन करो कालिका माई, मूंद मुख डंडिन को चुगलो को चबाई खाई, खूंद डार दुष्टन को शत्रु संघारिका, कालिका भवानी माई अरज हमरी सुन ले, डार मुंड माल गरे खड़ग कर धर ले, खूंद डार दुष्टन को शत्रु संघारिका। काल से आंख मिलाते हुए वीर गति का वरण करने वाले, मृत्यु की दहलीज लांघते हुए रंच मात्र भी विचलित नहीं होने वाले, अपने अंतिम क्षणों में भी मां काली से दमनकारी ब्रिटिश आक्रांताओं और राष्ट्रद्रोहियों का नाश और मातृभूमि की स्वतंत्रता की प्रार्थना करने वाले ये शूरवीर पिता पुत्र हैं, शंकर शाह और रघुनाथ शाह। ये महान बलिदानी गोंड राजवंश की परम प्रतापी साम्राज्ञी रानी दुर्गावती के वंशज थे और उसी ग्रह राज्य के उत्तराधिकारी थे जो 16वीं से 18वीं सदी तक देश के मध्य भाग में फैला हुआ था। गढ़ा मंडला के अंग्रेजों के अधीन आने के बाद राजा शंकर शाह के पास मात्र पुरवा और कुछ गांव की जागीरदारी बची थी, मगर गढ़ा मंडला और जबलपुर की जनता में उन्हें वही मान सम्मान प्राप्त था जो उनके पूर्वजों को था। देश के हर राज्य और रियासत पर अवैध रूप से अधिकार करने के लिए अंग्रेज अत्याचारों की पराकाष्ठा पार कर रहे थे। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह इन सभी घटनाओं से बेहद आहत थे। मातृभूमि के वैभव को मलिन करने वाले इन विदेशी आक्रांताओं की प्रतंत्रता शंकर शाह और रघुनाथ शाह को किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं थी। शंकर शाह और रघुनाथ शाह अच्छे कवि भी थे और अपने भीतर धलकती क्रांति की ज्वाला को लोगों तक पहुंचाने के लिए दोनों ने कविता का सहारा लिया और क्रांति की ये आग जबलपुर में तैनात 52वीं अंग्रेज रेजिमेंट तक जा पहुंची और रेजिमेंट के कई भारतीय सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह से सुलगने लगे। ये 1857 की क्रांति का काल था जब देश के अधिकांश भागों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह पनप रहा था। मध्य भारत में राजा शंकर शाह इस क्रांति की अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने पुरवा में आसपास के जमींदारों और राजाओं की सभा बुलाई जिसमें रानी अवंतीबाई और 52वीं अंग्रेज रेजिमेंट के कुछ विद्रोही सैनिक भी शामिल हुए। इस क्रांति को आगे बढ़ाते हुए 70 वर्षीय राजा शंकर शाह ने अपने 40 वर्षीय पुत्र और इन सभी आंदोलनकारियों की सहायता से छावनी पर आक्रमण करने की योजना बनाई जिसके तहत सशस्त्र संघर्ष कर अंग्रेजों का शासन समाप्त करना था। किंतु छावनी पर आक्रमण के बस कुछ ही दिन पहले अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई और अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने एक गुप्तचर को फकीर के भेष में गढ़पुरवा भेजा। छावनी पर आक्रमण की पूरी योजना का पता चलते ही अंग्रेज सिहर उठे और 14 सितंबर 1857 की रात्रि को उन्होंने भारी दलबल के साथ शंकर शाह की हवेली पर धावा बोल दिया और राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को गिरफ्तार कर घर की तलाशी ली जिसमें राजा की लिखी कविता हाथ लगी। इसी तरह की कविता कुंवर रघुनाथ शाह की हस्तलिपि में भी मिली। कहते हैं इन कविताओं का अर्थ जानकर अंग्रेज अंदर तक हिल गए। इन्हीं कविताओं को आधार बनाकर दोनों क्रांतिकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा चला, तोप से उड़ाकर मृत्यु दंड की सजा सुनाई। 18 सितंबर 1857 को जबलपुर एजेंसी हाउस के सामने मृत्यु दंड परेड हुई। इन महान बलिदानियों के अंतिम दर्शनों के लिए आक्रोश से भरा विशाल जनसमूह उमड़ने लगा। मां काली की प्रार्थना करते राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के चेहरों पर भय नहीं था बल्कि शांति और दृढ़ता थी। तोप के मुंह पर बंधे शूरवीर राजा और राजकुमार के चेहरों के बलिदानी तेज और गर्व से तने सीनों के आगे आतताई अंग्रेजों के मन
कांप रहे थे। घबराए अंग्रेजों ने तोप चलाने का इशारा किया। तोप के धमाके के बाद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के शरीर क्षत विक्षत हो गए। राजा शंकर शाह की पत्नी रानी फूल कुंवरबाई ने दोनों के क्षत विक्षत अंगों को एकत्र कर अंतिम संस्कार करवाया और अंग्रेजी शासन से प्रतिशोध लेने का प्रण किया। इन महान आत्माओं के बलिदान से उपजी विद्रोह की आग 52वीं रेजिमेंट से होते हुए दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी और रामगढ़ तक फैल गई। जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति फैलने लगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जहां क्रांतिकारी वीर राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह शहीद हुए थे, वहां उनकी प्रतिमाओं के इस स्मारक के आगे अपने आप सिर झुक जाता है और हृदय से स्वतः आवाज आती है, धन्य है ये भारत भूमि जहां ऐसे वीरों ने जन्म लिया। ऐसे वीरों को कोटि कोटि नमन।